नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में हुई चोरी की। वैसे तो हमें अक्सर सुनने में आता है कि चोरियां किस चीज़ की होती हैं, अक्सर कीमती चीज़ों की चोरी हो जाती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हुई चोरी किसी कीमती चीज़ की नहीं, एक ऐसी चीज़ की चोरी हुई है जिसे हम अक्सर इंडिया में बर्बाद करते चले जाते हैं। हम उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं, उसे अंधाधुन यूज़ करते हैं और सबसे ज़्यादा उसे बर्बाद कर देते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में उसी चीज़ की चोरी हुई है, वो भी छोटी नहीं, एक बहुत ही बड़ी अमाउंट में। जी हाँ, ये चोरी है पानी की। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि पानी की चोरी कौन करता है। ऑस्ट्रेलिया के कुछ पश्चिमी इलाकों में गर्मी के कारण पानी की दिक्कत आ गई है। ये गर्मियाँ उनके लिए काफ़ी महंगी पड़ी हैं, जिसके तहत वहाँ पे सूखा सा पड़ गया है, क्योंकि बारिश नहीं हुई है और कई जंगलों में आग भी लग चुकी थी, जिसके कारण वहाँ पे पानी के लिए काफ़ी मचमच मची हुई है। इसी के चलते न्यू साउथ इलाके में से कुछ चोरों ने वहाँ से 3 लाख लीटर पानी चुरा लिया है, जिसके तहत पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और उन मुजरिमों को पकड़ने का वादा किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह की वारदात दोबारा से नहीं होगी। हम अक्सर ये सोचते रहते हैं कि पानी का क्या है, आ जाएगा, और उसे कई बार अंधाधुन बहाते भी हैं, लेकिन यही पानी कई देशों में बहुत ही ज़्यादा कीमती और महत्व माना जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पानी की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है कि एक इंसान को एक गिलास पानी के लिए भी काफ़ी सफ़र करना पड़ता है, लेकिन हम यहाँ पे जितना वो सफ़र करते हैं उससे 2 गुना ज़्यादा पानी हम यहाँ बहा देते हैं। तो इसीलिए पानी की वैल्यू को समझिए और कम से कम पानी को वेस्ट कीजिए। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।